साथियों, आज हम लोग रानी तालाब के पास जो नेहरू पार्क है यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि नूह और मेवात के अंदर एक धार्मिक यात्रा के पत्र एक विशेष समुदाय के द्वारा प्रस्ताव किया गया था, जिसमें काफी लोगों की जाने गई थी, काफी मात्रा में जान माल का नुकसान हुआ था। और इसी के विरोध में आज रानी तालाब क्षेत्र में जो तमाम हिंदू संगठन है वो अपने दलों के साथ आए हुए हैं, उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। आइए आपको इसकी कुछ झलकियाँ मैं दिखाता हूँ। तो हमारा आक्रोश, लेकिन जब चलेंगे हम सड़क पे अनुशासित तरीके से चलेंगे और अपने नारों के साथ हर एक व्यक्ति ने बोलना है। अभी नरवाना से एक बस आ रही है 5 से 7 मिनट के अंदर, उसके बाद हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे और यहाँ से लेके SP ऑफिस तक हम चलेंगे। ठीक है, जय श्री राम, साथियों। एकता का परिचय देना है और अनुशासन ला करके इसको हमने कामयाब बनाना है। दिल से उन पवित्र आत्माओं को श्रद्धांजलि हमारी यही होगी कि हम एकता का परिचय दें और कोई भी अनुशासनहीनता ना करें। जय श्री राम। तो साथियों, अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर हिंदू संगठन जो है मेवात और नू समुदाय द्वारा हमला हुआ है, उसका भी हुआ है। जो है जैसा कि उन्होंने बताया कि ये देखिए साथियों, पीछे मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने भारी संख्या में हिंदू संगठन जो हेलो सभी भाइयों, सभी भाइयों से निवेदन है, जो भाई वहां हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए 2 मिनट का मौन करेंगे। जो भाई जहां खड़ा है सावधान तरीके से खड़े हो जाए 2 मिनट के लिए। साथियों, यहां पर जो शहीद हुए हैं मेवात और नूह के अंदर, उनको लेकर के 2 मिनट का मौन यहां किया जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, जयकार आए वीर बजरंगे। अब मैं निवेदन करूंगा में जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर आई हुई है और सुरक्षा की दृष्टि से जो है भारी संख्या में पुलिस बल पर तैनात किया गया है। जुझारू साथी आए और माइकस वाले, जय श्री राम। पुलिस फोर्स है यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सरकार ने पुलिस बल को भारी संख्या में तैनात कर दिया। यह मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये देखिए भारी संख्या में पुलिस बल जो है सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। 30 साल से चलने वाली यात्रा पर ये देखिए पत्थर मारे जाते हैं। भाजपा की सरकार के तरह आप यात्रा नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी माताएं, छोटी छोटी बहने सीख रही थी। आप भूल चुके हो गुजरात का गोधरा कांड, दिल्ली का नामलोई का कांड, आप भूल चुके हो मुजफ्फरपुर का कांड। हिंदू है यात्रा को अपने मिट्टी ही चलती है। विवाद की बड़े हर्षोल्लास से यात्रा चल रही थी, अचानक वहां की बिल्डिंगों से पत्थर आने शुरू हो जाते हैं।
साथियों, मैं आपको फिर से बता देना चाहूँगा कि हम रानी तालाब क्षेत्र में हैं और यहाँ पर जो तमाम हिंदू संगठन हैं वो मेवात और नू में जो प्रस्ताव किया गया धार्मिक यात्रा पर उसके विरोध प्रदर्शन के स्वरूप इकट्ठे हुए हैं और इस यात्रा को सुरक्षा की दृष्टि से भारी मात्रा में पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है ताकि किसी भी अप्रिय घटना या हिंसा को रोका जा सके। चार घंटे में वहाँ पर बनाए रखा भीड़ में।